अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बेसिकली सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल के आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही आई एम एबल टू मेक न्यू व्लॉग्स। तो सीन बेसिकली ये है कि इस वक्त हम रियाज सिटी के अंदर हैं। ये सिटी का व्यू आपको इस वक्त आ रहा होगा, बाकी इस व्लॉग को आगे देखें ताकि आपको सारे सीन का पता चले। तो ये भाइयों के साथ मेरा एक फेयरवेल है, तो आए देखें सबको। यार लव यू मलिक, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, जिंदा है मलिक। थैंक्स, लव यू। एक मिनट मलिक जी, मलिक जी बहुत अच्छा टाइम किया है आपके साथ, आगे भी गुजारेंगे इंशाल्लाह। बाकी कैसे ये तो बदवा दे रहा मनाज है। मुझे अंडे वाला बर्गर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बच्चे। जिनके आने से आए बाहर, जिनके जाने से आंखों में आए आंसू। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत देर लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो सीन बेसिकली ये है कि आई एम बेसिकली शिफ्टिंग टू सऊदी अरेबिया फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो इस वक्त टाइम होता है सुबह का 8 बजे, फ्लाइट हमारी है 11:35 पे, पैकिंग वगैरह कम्प्लीट हो गई है। बड़ी मिक्स थाट्स हैं दिल के अंदर, कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसी जगह होगी। ऑब्वियसली एक नई जगह है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, फेस ऑफ लाइफ। तो अभी पैकिंग वगैरह हमारी डन हो गई है, तो आए एयरपोर्ट चल के आपको बताते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंट्री के बाद इस वक्त अपना बोर्डिंग वगैरह हम ले रहे हैं, अपने पैकेजेस वगैरह यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, बोर्डिंग पास लेता हूँ, तो फिर आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ। गाइस अब बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है, हैंड कैरी मेरे पास है, बाकी चीज़ें मैंने सबमिट करवा दी हैं। गाइस इस वक्त अपनी इमिग्रेशन करवा के यहाँ पे लाउंज के अंदर बैठे हुए हैं, जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्लाइट टाइम। ऑब्वियसली एक जगह पे जब आप विज़िट करने जा रहे हों और जब आप एक शिफ्ट हो रहे हों, तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होता है उस चीज़ के अंदर। न्यू फेस ऑफ लाइफ, आई एम श्योर चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे, लेकिन लेट्स गेट अप विद इट और अल्लाह ताला कामयाब करे। बाकी का मेरा जो सफ़र आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इस वक्त रियाज एंट्री हो गई है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन रियाज। और वेदर की अगर बात की जाए तो जिस वक्त आई लेफ्ट पाकिस्तान, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, अराउंड 18, यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, कंपैरेटिवली 40 आया गया। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। So guys, रियाज पहुंच गए हैं and this is the place where I'm living. क्या हाल से कैफा हालुक तक का सफ़र इस वक्त आपके साथ शेयर किया सारा। तो देखते हैं आगे क्या बनता है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं जो नई यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।